Hello, assalamu alaikum. My name is Zara Noor Abbass Siddiqui. Please catch me on a very special episode of the Voiceover Man Chhalawa special. The movie is coming out on Eid al Fitr. Please go watch it. ये बताएं कि आपका सज्जल से कैसा रिश्ता चल रहा है? बहुत अच्छा. लड़ाई सही होगी? Okay. दोस्त हो गए. किस बात पे हुई थी? आप लोग क्या बातें करते हैं? आप एक दूसरे की मियां कंपेयर करते हैं, एक करते हैं कि मेरा मियां तो एक्स्ट्रा स्मॉल पहनता है. नहीं, हमारी इस तरह की चीजों पे लड़ाई होती है कि तुम उसकी दोस्त नहीं हो, तुम मेरी हो. हम पोजेसिव बहुत एक दूसरे के बारे में. ये वो वाला सीन है कि वो आई एम नॉट मेरी हो. तो आप हमें बता रही थी कि आप भी मावरा की तरह एलएल कर रही थी. एलएलबी किया मावरा ने. एलएलबी? नहीं, मैंने तो एलएलबीएस नहीं, एलएलबी, जेन्युइन एलएलबी किया है मावरा ने. मैंने बैचलर्स किया, इतनी पढ़ाई नहीं की मैंने. अच्छा अच्छा, 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? ऑप्शंस हैं पागलखाने में. अच्छा अच्छा, सिद्दीकी जैसे दाढ़ी वाले छोटे छोटे बच्चे पालते हुए 3-4, बुशरा अंसारी की तरह टोरंटो के डीएचए फेज 8 में प्लॉट खरीदते हुए. अच्छा, आप मतलब सारी इन्फॉर्मेशन. मैं उनका एजेंट, स्टेट एजेंट प्रॉपर्टी. अच्छा, उनको मैंने चूना लगाया कि बस पूछेगा. अच्छा, ऑर्डर टोरंटो भेज दिया मैंने उनको जो है ना. अच्छा, तभी सबा कमर की तरह वो खरगोश वाले स्नैपचैट. अच्छा. करते हुए और अवार्ड शोज को बॉयकॉट करते हुए. विंक विंक. अच्छा काम किया. या फिर माहिरा की तरह हर एड को यस करते हुए. नहीं, आई थिंक एक फिफ्थ ऑप्शन है. क्या है? अब वो है कि मैं आई विल बी रनिंग अ बिजनेस. व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस? इट्स गोइंग टू बी एन ऑनलाइन पोर्टल. कॉस्मेटिक्स? आई मीन नो, इट्स गोइंग टू बी एन ऑनलाइन पोर्टल. ऑनलाइन पोर्न, मेरा फेवरेट. बस जबरदस्त ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे आप, उसमें मैं भी आया करूंगा गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए. हाँ, आप ही का तो शो मुझे वहाँ चाहिए. सही है, ये बहुत अच्छा आइडिया है. आई लाइक इट. थैंक यू. अब मैंने दे दिया सबको. और मैं असल भी आएंगे ना उसमें शर्टलेस? हाँ, एक वेब शो होगा उसमें आपके साथ. आई एम लविंग इट. हाँ, आई एम लविंग इट. आप जैसे सारे मर्द जो इतने प्यारे जिस्म. ये बताएं कि आपके लिए इंडस्ट्री में सबसे बड़ी थ्रेट कौन है? जेलो. न्यू कमर्स में जेलो आपके लिए थ्रेट है? जेलो. जरा नूर, क्योंकि आपके जवाब अजीबो गरीब होने शुरू हो गए हैं. बड़े अजीबो गरीब जेलो या करा रहे. तो हम चलते हैं ट्रू और राउंड फॉल्स की तरफ. ओके, ठीक है जी, रेडी हम? यस. तेज तेज खेलेंगे हम. यस. मैं इस साल आपको अवार्ड शोज की सेकंड रो में बैठ के दिखाऊंगी. मैं इस साल अवार्ड शोज पे नहीं जाऊंगी. हाउ कम? प्लीज एलैबोरेट. क्योंकि इस साल मेरी दोनों फिल्में नॉमिनेट नहीं होंगी, जब होंगी तब जाऊंगी. नंबर टू, मेरी शादी पे जिन लोगों ने डांस नहीं किया था उनको मैंने अनफ्रेंड और फिटे मुंह कर दिया. फॉल्स. उनसे भी दोस्ती है आपकी? अभी तक है. वेरी गुड. अहमद अली भट्ट मेरे चाचा है. फॉल्स. क्या है? दोस्त. और को-स्टार. और बहुत अच्छे को-स्टार. देखिए, मैं दूसरों की फिल्में भी प्लग करता हूं. आपको तो मैं कहां से ये इंफॉर्मेशन? ओह माय गॉड. मैं खाने के बगैर रह सकती हूँ लेकिन फवाद मोहे और अली जफर के बगैर. ट्रू ट्रू. वॉच आउट फॉर ईद उल फितर छलावा. ज़ारा ये बताएं कि फिल्म छलावा के सेट पे सबसे ज्यादा ऑप्शंस गाने कौन गाता था? महमूद असलम. सबसे ज्यादा खाना कौन खाता था? वजाहत रऊफ. सबसे ज्यादा सर्दी किसको लगती थी? हाय, मुझे. सबसे ज्यादा टोपिया कौन कराता था? अजफू रहमान. सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता था? मुझे. देखिए, सच बोल रही हूँ. आप बाइपोलर हैं? नहीं, लेकिन मैं टेंडेंसीज हैं. नहीं, लेकिन मैं जब मुझे कोई बात बुरी लगती है तो मैं मुझे फौरन रोना आ जाता है. और बहुत ही ज्यादा बुरी लग जाती है. बहुत ज्यादा रोना आ जाता है. और सबसे ज्यादा चिल कौन था? असद सिद्दीकी. कंप्लीटली कंप्लीटली कंप्लीटली. उससे चिल इंसान मैंने देखा ही नहीं. He loves girls. असद सिद्दीकी के मशहूर लफ्जों में द फेमस वर्ड्स आई लव गर्ल्स. यस. उनकी बीवी कह रही हैं, ये हमें इन्फॉर्म कर रही हैं. एक दफा हम बैठे हुए थे फिल्म के सेट पे, खामोशी थी. आते हैं, खाना वाना खत्म हुआ था और एक आवाज आती है, आई लव गर्ल्स. वो इनके मियां थे. जी. बट ये बहुत चिल हैं आगे से. मैंने देखा ये कुछ नहीं करती. मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं आगे से. अब जैसे इनके दोस्त हैं वजाहत रऊफ और टाइप लोग, दे आल्सो लव गर्ल्स. दे आल्सो लव गर्ल्स. अब वो सब हर वक्त जब लड़कियों में घिरे रहते हैं तो मैं, व्हाट कैन आई रियली डू? ये बताएं कि वो लोग जो आपको कहते हैं कि असद और यासिर की शक्ल बहुत मिलती है, आप उनको इनमें से क्या कहना चाहती हैं? ऑप्शंस.
जाओ जाके अपनी आंखें टेस्ट कराओ, मेरा वाला ज्यादा बेहतर है। ऑप्शन टू, हाँ मिलती है तो उनकी शक्ल मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मेरे बेटे वो। ऑप्शन थ्री, ये लोग असल में साइमीज ट्विन्स हैं। एंड ऑप्शन फोर, आपको मेरे से बात करने का कोई और मौका बहाना नहीं मिला था। नहीं, मैं कहूँगी मेरा वाला ज्यादा प्यार है। गुड आंसर, एक सच्ची ऑब्वियसली अपने आप बंदे को तो लगता ही है ना। हाँ, जैसा भी हो, नहीं बहुत प्यार है लेकिन लगता भी है। ज़ारा ये बताएं कि अगर ब्लॉगर बरादरी ने आपकी फिल्म देख के बजा दी तो आप क्या करेंगी? मेरे पास हमेशा ऑप्शन होते हैं। अच्छा, हाँ प्लीज बताएं। आसिम रजा को फोन करके अपने सीन थोड़े से बढ़वाऊंगी। ब्लॉगर्स को कॉफी पे ले जाके फौरन दोस्ती कर लूंगी ताकि वो वहीं से एडिट मार के पॉजिटिव कर ले। हाँ, वैसे काफी ब्लॉगर्स में दोस्त भी हैं। हाँ, और ऐसे करते हैं वो, पेड कंटेंट कॉफी के दौरान ही चेंज कर देते हैं रिव्यू अपना। ऑप्शन थ्री, खुद ब्लॉगर बन के उनकी बजाऊंगी। नहीं, एक्चुअली माय डायरेक्टर्स हैव हाईली पेड मी टू फॉर द फिल्म्स, सो आई विल यूज दैट मनी फॉर बाइंग कॉफी फॉर द ब्लॉगर्स। जारू आगे बढ़ते हैं। जारू, अब वी आर लाइक फ्रेंड्स नाउ। रोती है बहुत, मैंने आपको कभी रोते हुए नहीं देखा। हाँ, आपने ट्रू स्टोरी सुना है, सुना है कि आप रो रही थी पर मैंने कभी देखा नहीं आपको रोते हुए जो है ना। वो आप अगर मेरे साथ डायरेक्टर फिल्म पे काम करें, तेज है आप वैसे जो है ना। हाँ, जिनको आंसू दिखाने होते उनको नहीं दिखाती। जिनको नहीं दिखाने उनको दिखाती, बस गलतियां ही है। ये बताएं, ये मुनीब नवाज आपको किस किस्म का आदमी लगता है? स्टाइलिस्ट था आपकी फिल्म पे, क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए आप? वर्ड तो नहीं है मेरे पास, वर्ड्स हैं। वर्ड बताएं। वैसे मुझे लगता है जिस तरह किसी का अभी एटीएम चुरा के आ रहा हो, हमेशा उसकी शक्ल पे ऐसा एक्सप्रेशन होता है और टोपी पहने रखता है, जिसमें खरगोश निकालेगा भी उसके अंदर से। तो आपको वर्ड्स कह रही थी उनके बारे में, मुनीब नवाज आपको कैसे लगते हैं? धोखेबाज। धोखेबाज हैं? आपके कपड़े कैसे बनाए उन्होंने? बहुत अच्छे। जरा, इस सेगमेंट का नाम है क्या सीखा? ओके, मैं आपको एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दूंगा और आप उसका जवाब दीजिएगा, बट क्विक और वन वर्ड टू वर्ड्स थ्री वर्ड्स के अंदर। रेडी? अपनी अम्मा से खाना पकाना। अपने अब्बा से सच बोलना। आसिम रजा से टाइम पे आना। बजा दो उससे जब गुस्सा आए तो बजा देना। क्या बोलूं, सच बोल रही हूँ। हाँ दी, मेकअप आर्टिस्ट से आराम से बैठना मेकअप करवाते वक्त। मैं भी शायद से किसी से इनसिक्योर ना होना। इस इंडस्ट्री से अपने गांव से काम रखना। अवार्ड शोज से यकीन ना करना। अपने वीडियो शॉप वाले से कि टाइम पे पैसे देके वीडियो खरीदना। और आखिर में ब्लॉगर से। ब्लॉगर से उनसे मैंने कुछ खास नहीं सीखा। कुछ नहीं सीखा उनसे, मतलब बस प्यार मिलता या नहीं मिलता, सीखने को कुछ नहीं मिलता। ये बताएं, ये इंस्टाग्राम पे क्या सीन चल रहा है आपका? क्या इतनी एक्टिव क्यों हैं? मेरी फिल्म्स आ रही है, मैं प्रमोट कर रही हूँ सबको। जब नहीं भी आती तो जब भी मैं आपको स्टॉक करता था उस वक्त भी बहुत कुछ आता था आपका। क्या माजरा है, क्या सीन है? आपने कहा कि ये बस अब इंस्टाग्राम बंद हो जाए ना, इंस्टाग्राम बंद हो जाए ना, तो आधे से ज्यादा एक्टर्स जो हैं वो खत्म ही हो जाएं। ज़ारा, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो इनमें से क्या होती? लाइब्रेरियन होती, करीम ड्राइवर होती, किटी पार्टी स्पेशलिस्ट होती जो कुछ नहीं करती और सिर्फ किटी पार्टीज करती। Have you seen Shazia's daughter? Yes, I have. वो होती, रेसलर होती, या फिर किसी जॉब पे मुफ्त की रोटियां तोड़ने की तनख्वाह ले रही होती। मैं शाजिया की डॉटर होती। वो होती हैं। Yes. वो अच्छा कर लेंगी आप ऐसे, है ना? मतलब अपने अमीर मियां गॉसिप करते बैठ के। ओहो। और अपने अमीर मियां के पास। एंड हम सारी गर्ल्स आपको इनवाइट करते। एंड ऐसे करके आप पे करते और आप हमें डांस। बेस्ट नाइट पे। हां, सॉर्ट ऑफ। मुझे कितने पैसे देने होंगे वहां आने के लिए? आपको तो बहुत सारे देने होंगे। हाँ, वही मैं कह रहा था, लोग वैसे तो मुझे देते हैं। हाँ, लेकिन आपको, हाँ। लेकिन मैं वहां देने को तैयार हूँ जब आप जैसे लोग वहां पर होंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं बता दूंगी। मशीन चाहूंगी वहां। फिर मैं नहीं आ रहा, वो शीशे तोड़ देती है गाड़ी के मेरे। नहीं, ऐसी नहीं है वो। ओके, क्योंकि आप बहुत म्यूजिकल हैं। बहुत म्यूजिकल चेस खेला है आपने और मैंने सेट्स पे, हमने दोनों। तो मैं आपको लिरिक्स दूंगा और आपने कंप्लीट करना है। देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज म्यूजिक के बारे में कैसी। रेडी हैं? ओके, बिस्मिल्लाह, आइए खेलते हैं। अकेली कहीं मत जाना। नजर लग जाएगी। ओए, मुझे ये नहीं पता था, मेरे दिमाग में था
अकेली कहीं मत जाना, जमाना नाजुक है। ओ मैंने वो अकेले ना बाजार जाना। But you win, 1-0. Okay, second, चेहरा मेरा था। चेहरा जो देखा तेरा मौसम। हर चीज को कुमार सानू पे ले जाती है यार। चेहरा मेरा था, निगाहें उसकी। कौन से जमाने के गाने? Vital Sense. परवीन शाकिर, 1-1. थर्ड, चेहरे पे एक और आया। चेहरा क्या देखते हो? सूरत, क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या देखते हो? दिल में उतर कर देखो ना। नहीं आती ये लड़की को, 90s के गाने नहीं आते। ओके, दाने पे दाना। दाने पे दाने, दाने पे दाना, ना ना दाने पे दाना, ना ना दाने पे दाना। 200 शादियों पे डांस किया इस गाने पे, लेकिन लिरिक्स नहीं आते तुम्हें। दाने पे दाना, दा 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 दाना, दाना, दाना। ओके, बेजा तीर बेजा, बेजा तीर बेजा। मन को जा, मन को जा। होपलेस। ऐसा करते, लेट मी स्विच टू द इंग्लिश सॉन्ग्स बिकॉज़ शी लुक्स लाइक शी इज वेरी वेरी बर्गर। नो 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 नो, आई एम वेरी देसी। थ्री मेरा आपको नहीं जवाब आया, नहीं वो आप बहुत बर्गर हैं असल में। I am switching to English every night in my dreams. I see you, I need, I see you, I dream. आगे क्या था? आप बताएं। Every night in my dreams. I see you, I feel you. Thank you, me too. Okay, next. What do you mean? What do you mean? What do you mean? आसान कर देता हूँ मैं। Let's waste time. Let's waste time. Snow petrol, chasing cars. बिल्कुल सही। एक ही गाना तो आता है मुझे। और आखिर में easy peasy, मेरी पैंट भी सेक्सी। मेरी पैंट भी सेक्सी। मेरी पैंट भी सेक्सी। तेरी बहन भी सेक्सी। क्या था? ज़ारा, आप ये बताएं कि इन लोगों में और आप में क्या कुछ कॉमन है? अदनान शाटी बू। नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। कोई एक चीज भी कॉमन। आरिफ लोहार। हम दोनों के कर्ली बाल हैं। हैं ये। अभी स्ट्रेट हुए हैं। हाँ। वकार ज़का और आप में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। एमन और मिनाल और आप में क्या कॉमन है? क्या हम तीनों अच्छी लड़कियां हैं? वेरी क्रिएटिव आंसर यार। आपका इनमें, मजीद लोगों का बता रहा हूँ, आप में और इनमें क्या कॉमन है? वॉइस ओवर मैन। हमारा दिमाग बहुत चलता है। गुड आंसर। असद सिद्दीकी। मैं और आप में क्या कॉमन है? मोहब्बत। मोहब्बत कॉमन है। आप में इनमें से ब्राइटेस्ट फ्यूचर किसका लगता है? इकरा अजीज, हानिया आमिर, एमन मिनाल या फिर न्यूकमर फैसल कुरैशी? न्यूकमर फैसल कुरैशी। मुझे इकरा और हानिया माशाल्लाह लगता है, देयर गोना सही जा रही परवाज ए जुनून। हां ओके, इस राउंड का नाम है ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। सिद्दीकी, आखिरी बार रोई कब थी? परसों। आखिरी बार चपेट कब खाई थी? हो गए साल, माशाल्लाह बड़ा टाइम हो गया। आखिरी बार रज के हंसी कब थी? कल रात को। आखिरी बार बंदर का तमाशा कब देखा था? बहुत साल हो गए, और लेकिन कुछ टाइम पहले किसी के घर एक पार्टी पे भी देखा था। ये बताएं, आखिरी बार पोर्नोग्राफिक फिल्म कब देखी थी? सोच रही, इतना सोचना पड़ रहा है। ओके, आखिरी बार हाथी पे कब बैठी थी? हाथी पर बहुत बचपन में सूजी थी, वहां उस पे बैठ गई थी। सूजी? हाथी का नाम सूजी था? सूजी था। नहीं यार, क्यूटनेस हाथी। इतनी बड़ी थी, उसका नाम था सूजी। आखिरी बार गाड़ी कब चलाई थी? अभी चला के आई हूँ आपके पास। गाड़ी का टायर चेंज करना था आपको? नहीं, लेकिन जब टायर फट जाए तो बुलाना आता है किसी को। अच्छा, छूट पे हो या वॉल जो कनेक्टेड है। हु इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल? फेयरेस्ट नहीं, फेयरेस्ट माहिरा खान।
Mirror, mirror on the wall, who's the meanest of all? Meanest. Meanest. Well, nobody's been mean to me. वैसे mean लगता है, ये mean लग रहा है, ये mean है. Anyone? Yes. नाम तो नहीं ले सकते. Alphabet बता दे, वो नाम का. M. और W हो नहीं सकता. M. M. Mirror, mirror on the wall, who's the turkiest of all? Turkiest. Turkiest. उनका भी नाम लो. उनको तो ले सकते हैं. नहीं नहीं. M for Muneeb Nawaz again. Hi hi, Muneeb तो नहीं मैंने कहा. अच्छा लेकिन. ये देखें. अच्छा. Mirror, mirror on the wall, who's the craziest of all? Craziest. Adventure type? Hani Amir. Hani Amir. Crazy बच्ची है. बहुत adventurous. Mirror, mirror on the wall, who's the gayest of all? Gayest? Gayest of all. अभी आपने walk की है किसी fashion week पे मैंने देखा है. कैसी गई? बहुत gayest. उसको तो मैंने भी walk की थी. Zara Noor, ये बताएं ये body shaming क्या होती है? मैं बहुत पढ़ता हूँ online www पे. Body shaming बड़ी बुरी चीज़ है जिन लोग के जैसे आप जैसे fit लोग जो हैं मुझ जैसे fit लोग. इस perfect body तो को किसी ने कुछ कहा क्या कभी हाथ ही नहीं लगाया किसी हाथ नहीं हाँ वो तो लगाने के काबिल नहीं ना खैर लेकिन जो काबिल होती भी ना जिनकी उनको भी फिर बड़ा बातें सुनने को मिलती हैं कि मोटे हैं और ये वो और ओ, अगर मैं आपको या पतले हैं फॉर इंस्टेंस पतलों पे भी होता है पतलों पे भी होता है अच्छा शुक्र है ये बताएं कि अगर मैं आपको आज एक मौका दूं कि आप मुझे बॉडी शेम करें इस बुरी बात है बॉडी को बुरी बात तो है लेकिन हम लोग गेम्स खेल रहे हैं ना गेम्स पीपल प्ले फ्रेंडली गेम्स फ्रेंडली गेम्स तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरी बॉडी मुझे बॉडी शेमिंग करें तो जरा करें इस परफेक्ट बॉडी को कैसे शेम करें पहले तो ओह वाओ कम ऑन आई एम वेटिंग ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ ਪਾੜੋ ਲੱਥਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਵਾਏ ਬਸ ਕਰ ਜਾਓ ਬਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਭੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਰਾਂ ਸ਼ੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ